Okay, so the first thing is first you understand what is the difference between personal communication and mass communication. तो पहले आपको ये समझना होगा कि पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन क्या है. पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स व्हेन यू वांट टू टॉक टू योर फैमिली मेम्बर, टू योर रिलेटिव, टू योर फ्रेंड. जब आप अपने किसी फैमिली मेम्बर, किसी फ्रेंड, किसी रिलेटिव से बात करना कर रहे हैं और उसके लिए उसके लिए उनसे कम्युनिकेट करने के लिए आप जो तरीका यूज़ करते हैं वो होता है पर्सनल कम्युनिकेशन. जैसे लैंडलाइन हो गया, मोबाइल हो गया, फैक्स हो गया, ईमेल्स हो गए, एसएमएस हो गए, मैसेजेस हो गए, तो ये सब पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. जब आप एक टाइम पे किसी एक पर्सन से बात कर रहे हैं या जब आप किसी अपने किसी फैमिली मेम्बर से अपने किसी आप अपने पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं, आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, आप अपने रिलेटिव से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है. ठीक है. एंड मास मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन मीन्स व्हेन यू वांट टू कम्युनिकेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम. जब आप एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों से बात करना चाहते हैं, जब आप एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों को एड्रेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप मास कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं. ओके. सो टेलीविज़न, रेडियो, देन टेलीविज़न, रेडियो, फिल्म, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ये सब मास कम्युनिकेशन है. ओके. सो मास कम्युनिकेशन मीन्स व्हेन यू वांट टू कम्युनिकेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम. मास कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जब आप एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों से बात करना चाहते हैं, जब आप एक ही टाइम पे आप बहुत सारे लोगों को एड्रेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप मास मीडिया या फिर मास कम्युनिकेशन की हेल्प लेते हैं. ओके. नाउ प्रिंट मीडिया इज देयर, जैसे न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, मैगजीन्स, पैम्फलेट्स. ओके. ये सब जो है प्रिंट मीडिया है. ओके. सो इन द सेम वे रेडियो, लाइक रेडियो इज देयर, रेडियो जो रेडियो दोज आर नॉट एबल टू रीड एंड राइट, जो लोग को पढ़ना लिखना नहीं आता उनके लिए रेडियो बहुत हेल्पफुल है. टेलीविज़न इज़ यूज एज एन ऑडियो, इज़ एन ऑडियो विजुअल इफेक्ट. टेलीविज़न जो है ऑडियो विजुअल है, आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं. ओके. सो दीज आर कॉल्ड मास मीडिया. ये सब जो है मास मीडिया है. ओके. सो मास मीडिया मीन्स व्हेन यू वांट टू कम्युनिकेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, देन वी यूज़ मास कम्युनिकेशन. And when we talk to a friend, any family member, relative and all, so for that the means of communication which we use is called personal means of communication. Okay. So first to understand the difference between personal means of communication and mass communication. तो आपको पहले personal means of communication और mass communication का difference समझना होगा. Okay. When you talk to your family member, to your relative, to your friends, etc., for that we use personal means of communication. And when you address to a large number of people at the same time, then we use mass communication. Okay.